बिहार सरकार की तरफ से सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी घोषणा पे की गई है कि दाखिल खारिज में अब आप लोग परेशानी नहीं होने वाला है क्योंकि अब जो है ऑटोमेटिक दाखिल खारिज का जो प्रक्रिया है उसको आप पे लॉन्च कर दिया गया है और इस प्रक्रिया के माध्यम से आपको ना तो कोई फॉर्म भरकर जमा करना है ना तो कहीं पर जाकर आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना है यानी कि कुछ भी नहीं करना है ऑटोमेटिक आप लोग का जो दाखिल खारिज है वहां पर हो जाएगा दाखिल खारिज के लिए आप लोग को परेशान होना नहीं होगा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी आप लोग जो है कोई भी जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं तो अगर आप लोग को ऑटोमेटिक यहाँ पे दाखिल खारिज करवाना है तो एक सुओ मोटो का फॉर्म होता है उस फॉर्म को आपको भरकर देना होता है और उस फॉर्म को भरकर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आप लोग पे लो दाखिल खारिज हो जाता है लेकिन अब जो नया प्रक्रिया आप लोग पे लॉन्च होने वाला है इसमें आपको वो फॉर्म भरकर भी जमा करने की आवश्यकता नहीं है या फिर मान लीजिए आप लोग जो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं दाखिल खारिज के लिए वो भी करने की आवश्यकता नहीं है ऑटोमेटिकली आप लोग का जो दाखिल खारिज है वो यहाँ पे हो जाएगा ये सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे आ रही है और ये जो है बिल्कुल नया प्रक्रिया आप लोग तो कहां पर रहने वाला है जल्द जो है इस प्रक्रिया को यहां पर लागू किया जाने वाला है तो आज मैं आप लोग को जो है इसी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि किस तरीके से अब जो है आप लोग कहाँ पे दाखिल खारिज होने वाली है क्या आप लोग का प्रक्रिया रहने वाला है कब तक जो है ये नियम आप लोग यहाँ पे लागू हो जाएगा कब से ये प्रक्रिया आप लोग पे चालू हो जाएगा सब कुछ मैं आप लोग वहाँ पे बताने वाला हूँ तो वीडियो को आप जो है पूरा जरूर देखेगा ये सभी के लिए जरूरी वीडियो होने वाला है क्योंकि अब से जब भी आप लोग यहाँ पे जमीन रजिस्ट्री करवाइएगा तो आप लोग का एक झंझट यहाँ पे खत्म हो जाएगा कि आपको यहाँ पे दाखिल खारिज करवाना है चलिए मैं आप लोग को जो है इस नियम के बारे में पूरा जानकारी देता हूं लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल

पूरा रिकॉर्ड राजस्व विभाग के पास स्थानांतरित की जाएगी इसमें दोबारा आवेदन करने का चक्कर नहीं होगा पूरा रिकॉर्ड होने के बाद यह राजस्व विभाग में रिकॉर्ड के डिजिटल तरीके से स्वतः दर्ज की जाएगी अब इस रिकॉर्ड की मदद से दाखिल खारिज की कवायद शुरू की जाएगी यानी कि यहाँ पे क्या है कि अभी आप लोग जो दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं वो सब यहाँ पे करना नहीं पड़ेगा ऑटोमेटिक सारा कुछ हो जाएगा आप लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा तो इस तरीके से अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ है फिलहाल देखते होंगे दोस्तों की आप लोगों का ज्यादातर जो यहाँ पे परेशानी होता है वो दाखिल खारिज में होता है जमीन रजिस्ट्री करवाने के बाद बहुत सारे लोग दाखिल खारिज के लिए अपलाई नहीं करते हैं या फिर जो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाता है किसी भी कारण से जो है उनका दाखिल खाइज नहीं होता है तो वो लोग यहाँ पे भटकते रहते हैं और उसके बाद जो है उनको पे पैसा भी देना होता है परेशानी भी होता है इस कारण से जो ये प्रक्रिया आप लोग पे अपनाया जा रहा है तो इस तरीके से आप लोग का जो अपडेट है वहां पे निकल के आया हुआ है तो ये जो है सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि अब जो भी आपका जमीन रजिस्ट्री होगा उसमें जो है आप लोग का ऑटोमेटिक यहाँ पे दाखिल खारिज हो जाएगा आप लोग को दाखिल खारिज करवाने की आवश्यकता नहीं है कोई फॉर्म आप लोग को भरकर जमा करने की आवश्यकता नहीं है कहीं पे जाकर आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है तो इस तरीके से अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ है पूरा जानकारी मैंने आप लोग यहाँ पे उपलब्ध करवा दिया है हालांकि दोस्तों ये जो आप लोग का वेबसाइट है ये सब जो प्रक्रिया है वो आप लोग का एक दो महीने बाद यहाँ पे शुरू किया जाएगा लेकिन जल्द जो है ये प्रक्रिया आप लोग यहाँ पे आने वाला है इस तरीके से अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ है तो मैंने सारा कुछ आप लोग यहाँ पे दिखा दिया है अगर आपको ये पेपर कटिंग चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा वहां से जाकर जो है आप लोग ये पेपर कटिंग डाउनलोड कर पाएगा तो जैसा की आप लोगों ने देखा दोस्तों मैंने आप लोग यहाँ पे सारा जानकारी दे दिया है कि किस तरीके से अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ है और क्या प्रक्रिया यहाँ पे रहने वाला है वो भी मैंने आप लोग यहाँ पे दिखा दिया है आशा करते हैं कि आपको तो को वीडियो पसंद आएगा तो गरीब वीडियो पसंद आए तो लाइक इस वीडियो को सब्सक्राइब करें माय चैनल को साथ ही इस वीडियो को ताकि और विलों को जानकारी मिल सके हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद